बड़ी उम्मीद लेके मेरे पास जयपुर से जोधपुर आई थी कि शायद मैं ध्रुव का इलाज भली प्रकार से करा दूं। ये मनुष्य दिन था 30 तारीख 30 जुलाई मेरे लिए, जब उस बच्चे को मैं एक गलत अस्पताल में लेके गया, बिलाई का अस्पताल। वहाँ पे जो एक संजय शर्मा है, मुझे पता लगा कि वो मैनेजर के पद पे काम कर रहा है, लेकिन मुझे मालूम था शायद डॉक्टर है। उसके दबाव डाला कि मैं आपके बच्चे का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इलाज करवा दूंगा। हमारे यहाँ 4.5 महीने के बच्चों का भी ये पत्रिका ऑपरेशन हुआ, ये भी मुझे कहा गया था। मैंने उस बच्चे को 30 जुलाई को वहाँ पे भर्ती कराया। 31 जुलाई को मैं जब पूछा तो उन्होंने बताया प्रदीप शर्मा जो मथुरादास माथुर के बहुत ही अनुभवी चिकित्सक है, उनके द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। उस दिन मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि शायद ये बहुत ही अच्छा यहाँ ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन 31 तारीख को ऑपरेशन करने के बाद में जो मेरा ध्रुव था उसकी संभालने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं आया। मैं नहीं समझा कि ये संजय शर्मा या डॉक्टर नहीं है या मैनेजर है। वो बार बार आते उस बच्चों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई डॉक्टर जांच कर रहा है, और मुझे गलत सूचना दे रहे थे, बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करें, कल शाम को आपको छुट्टी दे देंगे। जैसे ही 1 तारीख हुई मैं सुबह गया बच्चे के पास, उसके शरीर में हल्की हल्की सूजन थी, पेट पर सूजन था। मुझे ऐसा लगा शायद इसके पेशाब नहीं लगा है। मेरे उनको ये भी कहा बच्चे के पेशाब भर चुका, निकल नहीं रहा है। कि नहीं नहीं आप कुछ नहीं जानते, मेरे को ये कहा गया। हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बच्चा कुछ नहीं खाया। 12 बज गए दिन की 1 तारीख के अंदर 12 बज गए। तो मैंने कहा साहब अब तो इसको कुछ आप दीजिए, दवाई वगैरह कुछ दीजिए। नहीं 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 देना, ग्लूकोज चढ़ रहा है, उसको आप रहने दीजिए बच्चे को। तरह तरह के वहाँ पे कंपाउंडर नहीं थे, वन ट्रेंड लोग थे, बेगौप पता लगा उनको देख के, चेहरे मेरे सामने गुजर रहे, उनके आके इंजेक्शन लगा रहे थे उस स्ट्रिप्स के अंदर, और बच्चा बिल्कुल निंद्रा में जा रहा था। लास्ट वो बच्चा 5 बजे उठा, मैंने बड़ा हिला के उसको हिलाया तो हिल के बैठा। नानू साहब 1 2 3 वो सब मुझे आज भी याद आ रहा है, और तकिए के ऊपर गिर गया मेरा बच्चा। तो गिरने के बाद मैंने जब गिड़ाया तो वहाँ के जो बेहोश किया था वो डॉक्टर आया, उन्होंने वहां के लाके मीटर लगा, उस मीटर को क्या कहते मुझे नहीं मालूम। वो वहां पर बता रहा था 60-70 60-70। अचानक कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा ये क्या चीज है, कि बोला ऑक्सीजन का लेवल बता रहा है। तो मैंने कहा कितना होना चाहिए, उन्होंने बताया कि 100 होना चाहिए। मैं कहता हूं 60-70 जा रहा है। वो FIR की कॉपी है जो ध्रुव राजपूत की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने लापरवाह डॉक्टरों और विनायका हॉस्पिटल के स्टाफ के खिलाफ दर्ज करवाई। आज FIR दर्ज होने के 19 दिन बीत जाने के बाद भी डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, स्टाफ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे परिजनों और समाज में रोष है, और अगर अतिशीघ्र हम मांग करते हैं अतिशीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की गई तो श्री राजपूत करनी सेना विभिन्न संगठनों के साथ लेके, जैसे हमारे साथ जोधपुर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बैठे हैं भवानी सिंह जी, राव जयमल बेटिया समिति के उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, विभिन्न संगठनों को साथ लेके हम उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण तौर पे प्रशासन और पुलिस की होगी, राजस्थान सरकार की होगी। हमारी जो मांगे हैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से वो ये है कि जांच अधिकारी बदला जाए, उच्च अधिकारियों से इस मामले की जांच की जाए, और पोस्टमार्टम की कॉपी जो परिजनों को अवेलेबल कराई जानी चाहिए उसमें पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम आपको नहीं दे सकते, हाईकोर्ट को ये दी जाएगी। तो पोस्टमार्टम की कॉपी भी परिजनों को अवेलेबल कराई जाए, और उग्र आंदोलन और आंदोलन की रूपरेखा हम शीघ्र ही तय करेंगे। आंदोलन के बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, जिसमें जो कमेटी बनी हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उस पर भी हम कोर्ट से कहेंगे कि वो कमेटी चेंज की जाए और जांच अधिकारी भी बदला जाए। श्री राजपूत करनी सेना अपनी तरफ से कोर्ट में जाएगी अगर इन परिजनों को न्याय नहीं मिला तो। मानसिंह मेहतिया, पूर्व संभाग प्रभारी, श्री राजपूत करनी सेना, जो